कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2023 की जो परीक्षा थी वो संपन्न हुई और इसके साथ ही तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा हॉल से बाहर निकले हैं। कैसी तैयारियां थी और तैयारियों के बीच आज जब परीक्षा दिया है तो क्या अनुमान है वो जानेंगे। कैसा रहा आप लोगों का पेपर? बढ़िया था पेपर, बढ़िया था। लॉ प्रेप ने काफ़ी हेल्प किया, लॉ प्रेप के मॉक ने। तो जो तैयारियां कोचिंग में हुई क्या उनसे जुड़े सवाल आए या उस पैटर्न पे मिले? ऑब्वियसली आई। तो क्या इस बार फिर आप लोग देखते हैं कि कोई नेशनल कॉलेज मिलेगा इस एग्ज़ाम के बाद? ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कौन से पेपर थे जो टफ दिखे? थोड़े करंट अफेयर्स के पेपर लेंदी थे और फिर टफ भी थे, लेकिन ठीक थे। फीफा से भी जुड़े सवाल आए होंगे ऑफकोर्स। तो क्या लगता है कि जो तैयारियाँ आप लोगों ने की उसका फलसफा यहीं पे मिलेगा, मतलब फल? हाँ, ज़रूर मिलेगा। कैसा रहा पेपर बाबू? पेपर तो ओवरऑल अच्छा रहा, लाइक जो एक्सपेक्ट किए थे उस हिसाब से सारे टॉपिक्स आए हैं। बस जीके थोड़ा सा लेंदी था, बट वो भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, फोकस करने पर वो भी बन सकता था। तो क्या लगता है कि जीके के कारण थोड़ा बहुत दिक्कतें हुई? हाँ, जीके के कारण ही अटेम्प्ट्स में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए उसी के कारण हुए हैं, बाकी सारे सेक्शंस ओवरऑल अच्छे थे। चलिए देखिए, जो जीके का पेपर है वो टफ रहा है तो आप बताइए वाकई में जीके टफ था? हाँ, जीके का क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट था, जैसे हम लोग पढ़े थे और उसके बाद जैसा प्रिपरेशन था उससे काफ़ी अलग था इस बार। आप लोग लगातार मॉक प्रैक्टिस करते हैं तो क्या लगता है उस मॉक से आप लोगों का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ? काफ़ी बेहतर था उससे, क्योंकि वो प्रैक्टिस हम लोग को बहुत हेल्प किया था ओवरऑल पूरे टाइम पे, तो ये उससे मिलता जुलता था, बट बस जीके की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट। लीगल से जुड़े सवाल आते हैं, कैसे था वो जो क्वेश्चन? वो भी अच्छा था, काफ़ी बेहतर था वो भी। कॉम्प्रिहेंसिव आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उससे जुड़े कैसे सवाल थे? सारे सब सेक्शंस बढ़िया थे, सारे सेक्शंस बहुत ही सही थे। मेरे मॉक ने, मतलब एलपीटी का मॉक ने काफ़ी फ़ायदा किया सारे सेक्शंस के लिए। थोड़ा एक्सेप्शन में जीके थोड़ा लेंदी था, बट जीके उतना भी ज़्यादा टफ था नहीं, हो सकता था। कितने वक्त से आप लोग तैयारी कर रहे थे क्लैट के लिए, क्योंकि आप लोग बेसिकली 11 12th के स्टूडेंट हैं? या फ्रॉम वन ईयर का फल मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। आप किस क्लास में हैं? हम 11th अपियरिंग के साथ अपियर हुए थे, 2 साल फाउंडेशन बैच। तो क्या लगता है इसके बाद फिर जाना है या यहीं से आप लोग घंटी बजा दीजिएगा? घंटी बजाने की तो पूरी प्रयत्न किए हैं, अब देखिए जो भी रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड। चलिए, यहीं से घंटी बजाइएगा कि फिर आगे ट्राई करना है? यहीं से घंटी बजाने की, यहीं से बजा देना। चलिए, विवेक जी हैं, विवेक जी क्या फीडबैक मिला बच्चों की तरफ से? पहले तो नमस्कार आपको। बच्चों की तरफ से फीडबैक अच्छा रहा है, पेपर थोड़ा लेंदी रह गया है, इवन जीके के क्वेश्चंस थे थोड़े टफ थे, इवन बच्चों ने जो प्रैक्टिस करी थी मॉक से ओवरऑल क्वेश्चंस आए हैं, इवन लॉ प्रेप कंटिन्यूसली जिस लेवल का मॉक प्रोवाइड करती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो थे इनके मॉक के अकॉर्डिंग ही थे। अब देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस क्या रहता है आगे। 3 साल से बिहार टॉपर दिया है आप लोगों ने। डेफिनेटली सर, ये एक टचउड कहें, बिहार से हमारे यहाँ से कंटिन्यूसली बिहार रैंक 1 हम लोग दे रहे हैं, और अगर सब कुछ सही रहेगा तो इस साल भी हम लोग बहुत अच्छा रैंक देंगे। सिर्फ बिहार रैंक 1 ही नहीं, हमारा टारगेट है कि इस बार भी हम लोग ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग्स में टॉप परफॉर्मर्स हमारे हों, टॉप 10 में हमारे 3-4 बच्चे कम से कम हों। देखिए, टॉप 10 में बच्चे लॉ प्रेप के हो ये अनुमान है, और निश्चित तौर पर अब जब एग्ज़ाम्स दे के बच्चे बाहर निकले हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न इन लोगों को खटा वो था जीके से जुड़ा सवाल। हालांकि जो मॉक टेस्ट इन्होंने दिया जिसके तहत इन्होंने प्रैक्टिस की है उससे काफ़ी इन लोगों को आसानी से ये पेपर जो है वो देने का मौका मिला है। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।